जी नाजरीन, मैं रुस्तम अली और आप देख रहे हैं PNC 24। नाजरीन, आज मंडी बौलदीन में एक जो है वो अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 3 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए और 30 से ज़ायद जो हैं वो अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें 7 अफराद की जो है हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मैं एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बताया ये जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल को बचाने के लिए, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए ये बस उल्टी, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन एक और मेन मसला है। मेरा कैमरामैन आपको ये सड़क का किनारा दिखाता है, ये सड़क का आपका किनारा देखें, यहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है। एक रोड पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, और यहाँ पे जो सड़क का किनारा है वहाँ वो सड़क ऊँची है। अगर हल्की 1-2 इंच भी जो बड़ी गाड़ी है या कार है वो अगर सड़क से नीचे उतरती है तो उसका उलटने का खदशा जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आज जो बस उल्टी है वो भी इसी कारण उतरी है कि उसने थोड़ा इधर सड़क के नीचे आई है गाड़ी, और वो उस सड़क से जो सड़क जो है वो जिस पर रवानी जो है भाई बहाल है ट्रैफिक की, इस सड़क से वो दूसरी तरफ आके गिरी है बस। तो मसला ये है कि हमने मुतद्दद बार जो इंतज़ामिया को इस बात से आगाह किया है कि जिस हालत में अभी ये फालिया रोड है, इसकी हालत इतनी दुरुस्त की जाए ताकि हादसा ना हो। तो अभी भी यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे जो सड़क की ढलाई है वहाँ उसका काम किया जाए और सड़क की इतनी हालत दुरुस्त की जाए यहाँ पे हादसा ना हो। अभी हम आवाम को तो रोक नहीं सकते। एक तरफ ये आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है वो इसकी अभी ये तमीर होनी है, ये सड़क का काम अभी होना है, बंद पड़ा काम। और ये जो सड़क है, एक सड़क बन चुकी है, ये कैमरा मैन आपको दिखाता है दोनों तरफ से। इधर कह रहे हैं ये कैमरा, ज़रा दोनों तरफ से यहाँ पे अभी गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। मसला ये है कि एक सड़क पे आमदोरफ जारी है और यहाँ पे हादसात के बहुत ज़्यादा जो हैं वो वैसे भी एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा मामलात हैं। यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक्टिव हो, दोनों तरफ के रोड खोले जाएँ और जो है वो एक तरफ से गाड़ियाँ आएँ और एक तरफ से जाएँ ताकि मामलात कुछ बेहतर हो सकें। बाकी जो रोड है इस वक्त, जो रोड से यू टर्न लेना ओवर ट्रैकिंग में, हल्की सी भी अगर गाड़ी हंगामी सूरत हाल में यू टर्न लेना पड़ जाए या कुछ भी करना पड़ जाए, ओवर ट्रैकिंग होनी करनी पड़ जाए तो हादसा हो सकता है। अभी भी किसी और हादसे का इंतज़ार ना किया जाए, सड़क की हालत जो है वो मरम्मत इतनी की जाए कि इसकी जो है वो मज़ीद कोई हादसा ना हो। इंतज़ामिया से ये हमारी अपील है, हमने आगे भी इस मसले की निशानदेही की है और हम दोबारा ये अपील करते हैं कि इस मसले को फुल फोर जो है वो हल किया जाए। अब तक इतना ही, रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।